मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मरश्मी पांडे, खबर माधोगढ़ जालौन से। तहसील के अंतर्गत ब्लॉक माधोगढ़ के प्रसिद्ध रारुआ के महादेव मंदिर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐतिहासिक दंगल का आयोजन किया गया। इस दौरान दंगल देखने के लिए हजारों की तादाद में हुजूम उमड़ पड़ा। दंगल में क्षेत्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नामी ग्रामी पहलवानों ने भाग लिया। दंगल में आधा सैकड़ा पहलवानों ने दांव पेच दिखाते हुए एक दूसरे को पटकनी देकर बाजी मारी। आसपास के गांवों के लोग भी दंगल देखने के लिए आए। पहलवानों के दांव देखते हुए दर्शकों को काफी मनोरंजन किया। ग्राम पंचायत हरौली गड़ा में स्थित भगवान भोलेनाथ रुरेश्वर धाम के परिसर में विशाल कुश्ती दंगल के आयोजन का विधायक ने फीता काट कर शुभारंभ किया। क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन ने कहा कि पिछले कई वर्षों से कुश्ती दंगल का आयोजन हरौली में होता आया। पिछले वर्ष से इस बार पहलवानों और दर्शकों की संख्या बहुत भारी। कमेटी को ऐसे आयोजनों के लिए साधुवाद दिया। विधायक प्रतिनिधि महेश पत्राही ने कहा कि एक और पाठशाला हो तो दूसरी ओर व्यायामशाला हो, निश्चित ही विकास होगा। कार्यक्रम आयोजक रविंद्र सिंह राजावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलों और कुश्ती जैसे आयोजन होने से शरीर स्वस्थ रहता है, तो वहीं गांवों में रहने वाले प्रतिभा का निखार होता है। पहलवान संदीप कुमार सिंह राणा ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यायामशाला में जरूर भेजें, जिससे कि उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो और स्वास्थ्य अच्छा हो। उन्होंने नई पीढ़ी को खेलों से जुड़ने की अभिप्रेरणा दी। कार्यक्रम का समापन सपा के पूर्व जिला सचिव प्रबल प्रताप आटागांव ने विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण करते हुए अपने संबोधन में कहा, ऐसे खेल के आयोजनों से क्षेत्र के खिलाड़ियों को बाहरी खिलाड़ियों से गुण सीखने को मिलते हैं। इस मौके पर विनय प्रधान कैलोर, सत्यपाल सिंह कुशवाहा, विकास सिंह यानू, जनमंजय सिंह, साहिल, राहुल, विक्की, गौरव बेटू, अनुराग प्रताप सिंह प्रधान, मोहित सिंह, राहुल शाके क्षेत्र पंचायत सदस्य, समृत पाल प्रधान, रंजीत सिंह लेखपाल, राजकुमार प्रजापति, विक्रम सिंह यादव, नुनायचा, जंग बहादुर सिंह भगवानपुरा, मोनू सिंह सप्लायर, रिंकू गुजर प्रधान प्रतिनिधि रामपुरा माधोगढ़, विकास सिंह ठेकेदार, तेज सिंह प्रधान प्रतिनिधि सहित अन्य सैकड़ों लोग मौजूद हैं। जालौन मेट्रो माधोगढ़ संवाददाता अजीत उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा मथुरा से आए, ग्वालियर से आए और ये बहुत बड़ा दंगल हो गया है। उत्तर प्रदेश लेवल का दंगल हो गया है और ये हमारे पुरखों का आशीर्वाद है। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, स्वर्गीय अमलदार सिंह जो परंपरा डाल गए, उस परंपरा को हमारे ग्राम हरौली गढ़ा के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कितने वर्षों से ये आयोजन ये लगभग 100 वर्ष हो गए। अच्छा, निरंतर आयोजन दंगल का होता आ रहा है। किस स्थान पे किया जाता है? स्थान रूडियो सर शंकर जी, पहले होता था ये हरौली में जी। तो हरौली में ना होके अब ये 10-15 साल से यहाँ पर हम लोगों ने निश्चित किया है। यहाँ चूँकि तीर्थ स्थल भी है माना हुआ, तो सभी लोगों का निर्णय हुआ कि आप दंगल रूडियो इसे धाम पर ही करें। लास्ट कुश्ती कितने रुपए हुई है? लास्ट कुश्ती 31,000 रुपए। धन्यवाद। रुकिए, क्या आप आज भी एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्टर व बैनर जैसे पुराने तरीके यूज करते हैं? अरे भाई, डिजिटल का है जमाना, फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्टर क्यों लगाना? अब अपनी दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर या अपने बिजनेस का इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट करवाएं और पहुंचाएं अपने आसपास के लोगों तक बड़ी आसानी से, वो भी उनके फोन की स्क्रीन पर। और हाँ, ये सस्ता और ज्यादा इफेक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉन्टेक्ट करें। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।